जब कभी किसी कपल का डिवोर्स हो जाता है तो ऐसा लगता है उनका साथ तो कभी लिखा ही नहीं था इन्होंने जबरदस्ती शादी कर ली अगर कोई बंदा गरीब है तो लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे यार इसकी तो किस्मत में ही गरीबी है लेकिन रियालिटी इस चीज से बहुत ही डिफरेंट होती है इस चीज को हमें साइंटिफिकली समझना चाहिए और वही चीज हम करते हैं सोशियोलॉजी में सो लेट्स गेट नो दी डॉन टॉक अबाउट इट दैट हाउ इज साइंटिफिक इन नेचर चलो लेट्स गेट स्टार्टेड हेलो एवपारीम बैक टू माई चैनल इफ नी टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेकिन सो दैट यू विल बी नोटिफाइ रीच इन एवरी सिंगल टाइम आई विल बी ऑनलाइन एंड हम चैप्टर टू में पहुंच गए हैं सी एन शंकर राव के हुंक गॉड थैंक गॉड दैट वी हैव कम्पलीटेड चैप्टर वन एंड वी आर इन चैप्टर टू एंड चैप्टर टू में जो तो सबसे पहला पार्ट है वो ये है डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी सो यदि यदि आप बी ए का एग्जाम दे रहे हैं एम ए का एग्जाम दे रहे हैं फिर किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं जिसमें डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी बहुत रिक्वायर्ड है तो यहाँ से आप डेफिनेशन ले सकते हैं मैं बहुत ही छोटे क्रिस्प डेफिनेशन लेकर के आई हूँ जो कि याद करने में आसान होते हैं ठीक है लेट्स गेट स्टार्टेड चलो सोशियोलॉजी जिसको पहले सोशल फिलोसफी बोला जाता था एंड ऑगस्ट कॉम्प्ट जो हैं जिनको बोला जाता है ट्रेडिशनली एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी उन्होंने ये जो टर्मिनोलॉजी है सोशियोलॉजी वो कॉइन किया एटीन में ठीक है सोशोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है एक होता है आपका सोशियस याद रखियो सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन या फिर सोसाइटी एंड लोगोस या फिर लॉजी जिसका मतलब होता है साइंस तो एक साथ अगर इस चीज को मिलाया जाए तो हम इसे कहेंगे साइंस ऑफ सोसाइटी फाइन अब अलग अलग लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन दिया है चलो देख लेते हैं किंग्सले डेविस ये डेफिनेशन मुझे काफी अच्छा लगा था प्लस एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने जितने बार भी कोई भी एग्जामिनेशन दिया है ठीक है राइट फ्रॉम बी ए टू माई एम ए सोशोलॉजी मैंने हर बार यही डेफिनेशन यूज़ किए हैं ट्रस्ट में आपको याद रह जाएंगे और किसी भी आंसर में अगर आप इसको पुट करोगे तो ऐसा लगता है ना जो इन्विजिलेटर है उनको कि यार इन लोग बहुत पढ़े लिखे हैं मतलब इनसे ज्यादा ज्ञानी इंसान कोई नहीं है इसलिए हमेशा ये डेफिनेशन को याद करो और हर जगह इसको अप्लाई करने की कोशिश करो इवन इफ यू आर गिविंग योर स्टेट पी सी एस एग्जामिनेशन और या फिर आप अपना यू पी एस सी का भी एग्जामिनेशन दे रहे हो ओके मेक श्योर अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है सोशोलॉजी से रिलेटेड बिल्कुल ये डालो ठीक तो डेविस ने कहा है कि रिलेटेडी इज जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी कि जो हमारा समाज है उसका जो जनरल साइंस होता है ना दैट इज सोशलॉजी ऑक्बर एंड निमकॉफ का कहना है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ दैट मीन सोशियलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ साइंटिफिक इसलिए ये बोले हैं क्योंकि यार समाज में लोग ना जादू टोना की भी बात करते हैं लोग सुपरस्टिशंस की भी बात करते हैं लोग बहुत अंधविश्वास की बात करते हैं लोग किस्मत की बात करते हैं दो लोग के बीच में अगर डाइवोर्स हो गया तो अरे इनकी तो किस्मत में दोनों एक साथ नहीं थे अंडरस्टुड सो इसीलिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ इज सोशलॉजी ए माइल हाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन अ मैक्रो थिंकर तो इनका ये मानना है कि सोशोलॉजी इज साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन वी हैव अ ऑफ़ सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मैरिज हो गया किनशिप हो गया ठीक है फैमिली ओके okay? ये जितनी भी चीजें होती है सब सोशल इंस्टीट्यूशन हैं और ये सब सबको ही पढ़ाई लिखाई करना दैट इज ओनली सोशियोलॉजी पार्क पार्क का कहना है कि द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर इज नोन एज सोशोलॉजी जब हम जो कलेक्टिव बिहेवियर के इंसान मिलजुल करके एक साथ क्या करते हैं क्या करते हैं भाई एक साथ मिलके रिलीजन बनाते हैं मैरिज बनाते हैं फैमिली किनशिप ओके ये जितनी भी जो चीजें त्योहार लैंग्वेज ये सब चीज़ आपका समाज हो जाता है द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर हैरी एम जॉनसन हैरी एम जॉनसन का कहना है सोशलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद सोशल ग्रुप्स देर आर लॉर ऑफ सोशल ग्रुप्स यू नो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स नहीं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं एंड यही सब चीज़ को हम कहते हैं सो दैट इज दाइंस दैट डील्स विद सोशल ग्रुप आप हो सकते हैं कि यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन दे रहे हो हो सकता है आप एमए एंट्रेंस दे रहे हो तो वो सब में ना ये सब डेफिनेशंस पूछ लेता है कि आ, किसने कहा है कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन पता होना चाहिए माइल्डर माइल्डरकाइम किसने कहा है कि द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर ये भी आपको पता होना चाहिए पार्क तो इस तरीके की जो बेसिक्स होते हैं ना शुरुआत से चीजें पढ़िए एक बार सीएन शंकर राव खत्म कर लो आपको बहुत फायदा मिलेगा आगे बढ़ने के लिए ठीक तो और मैं फोकस कर रही हूँ कि इस चैनल पे सिर्फ हाँ, और सिर्फ सोशलॉजी बनाऊ हाँ सैटरडे संडे इज ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड मेक मनी ऑनलाइन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी स्टूडेंट्स हैं और आपको ये चीज़ें फायदे देंगी इसीलिए तो इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं आने वाला सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी एंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा ओके okay, तो स्टॉप कॉमेंटिंग इन द कॉमेंट सेक्शन की यहाँ पर कुछ इस टाइप की चीजें क्योंकि मैं पहले ब्लॉग्स बनाती थी लेकिन अब उसके लिए एक सेपरेट चैनल हम सोच रहे हैं बनाने का थोड़ा नीश रिलेटेड कॉन्टेंट अब डाल रहे हैं ठीक है तो थोड़ा बेयर करो और जितने भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को शेयर करें रैंडम लोगों को शेयर ना करें चलिए थैंक यू पीपल एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब